नमस्कार आदाब दोस्तों, मुंबई एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। दोस्तों आइए चलते हैं आज की विशेष और बड़ी खबर पर। मंत्री जितेंद्र आव्हाड के हाथों हुआ शामीन और आइडियल मार्केट के पास वाले रोड का काम मुकम्मल। जी हाँ दोस्तों, आपको पता होगा कि काफ़ी वर्षों से जो आइडियल मार्केट है, शामीन इलाका है, अलमास कॉलोनी के बाजू की गली, वहाँ पर जो रोड का काम था किसी वजह से रुका हुआ था। अब जाकर के आज जाकर मंत्री आव्हाड, जितेंद्र आव्हाड वहाँ पर आए और उन्होंने उस रोड को मंजूरी दे दी, ओपनिंग करा दी। उसी दौरान जब प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी उसमें मंत्री जितेंद्र आव्हाड ने मुंबई टीवी के जो रिपोर्टर है अफजल शेख उस पर भी निशाना साधा। क्या कहा मंत्री आव्हाड ने अफजल शेख के बारे में और क्या कहा मंत्री आव्हाड ने इस रोड के सिलसिले में, आइए जानते हैं हमारी आज की इस विशेष खबर से। धन्यवाद। क्या ये जो मुद्दा है ये कब तक सॉल्व हो? पत्रकार भाइयों, देखो आज हम लोगों ने रोड का इनॉग्रेशन किया हुआ है। अलहमदिल्ला जितेंद्र आव्हाड साहब हमारे गृह निर्माण मंत्री, उनके हाथों से इसका इफ्तिताह हुआ है और इंशाल्लाह अब ये काम मतलब कंटिन्यू चालू ही रहेगा। और कुछ इसमें बातें थी और वो धीरे धीरे करके इख्तलाफ था, जो भी था वो सॉल्व हो गया। और मैं यहाँ के बिल्डर जो है गुड्डू खान साहब, मैं उनका भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमको रोड बनाने के लिए आज कहा है, इसलिए हमने ये रोड का काम को शुरू किया है। इनके सहयोग से जब आपको सहमति मिल चुकी है तो फिर इब्राहिम भाई ऐसा क्यों है कि आधा ही रास्ते का काम हो रहा है और आधे का जो है वो? नहीं नहीं, कैसा है देखो, ये जो इनकी बिल्डिंग है ना, ये टीएमसी बिल्डिंग है, आइडियल मार्केट इनका जो बना है टीएमसी को इन्होंने हैंड ओवर कर, ये इनकी टीएमसी बिल्डिंग है, यहाँ तक जो इनका इनको मुबदला जो है उनको मिला है। आगे का जो इनका रास्ता ये इनका प्राइवेट पड़ रहा है, तो उनका एक ऐसा बोलना है कि हमको एक जो उन्होंने काम बताया रोड पे जो गाले हैं उनको आप उनका क्या बोलते हैं मुबदला दे दो, उनका बदला दे दो, मुबदला दे के आप हम ये रोड हमसे बना के ले लो। अभी उनका मतलब अभी जो इख्तलाफ थे तकरीबन ख़त्म होने हैं, इंशाल्लाह महीने भर में हो सकता है। सोसाइटी से बातचीत आपकी चल रही है? हाँ सोसाइटी से बात चल रही है। गुड्डू भाई भी हमको मिले थे, मुजम्मिल भाई मिले थे हमसे और उनसे बात की रोड के लिए, तो ये सहमति बन गई हमारी और जिससे हम लोग काम चालू किया। ये जो रास्ते का काम काफी सालों से रुका था और इतने सालों की पहल करते हुए आप इस अंजाम तक, मगर ये कहीं ना कहीं इलेक्शन आने का स्टैंड तो नहीं है? नहीं नहीं नहीं, देखो ये देखो कोई भी चीज़ रहती है, कोई दरख्त फल 6 महीने में देता है, कोई दरख्त फल हमको साल में देता है, कोई दरख्त 2-5 साल में देता है। मैं एक एग्जांपल देने के लिए बात बोल रहा हूँ, इसमें कुछ इनके ऐसा है सूत्रों द्वारा हमें पता लगा है, ये इलेक्शन आने से ये रोड बन रहा है, इतने साल से हमने न्यूज़ भी चलाई थी, इसका कोई फैसला नहीं हो रहा था और एक फैसला होने में इतने साल लग गए। मुमरा में हर फैसला अवार्ड साहब के टेबल पे जब जाता है, उनके ऑफिस में जब मसले बैठते हैं तो वो तुरंत पड़ जाते हैं, ज़्यादा वक्त नहीं लगता और इसे ज़्यादा वक्त लग गया तो सूत्रों द्वारा ये बताया जा रहा है कहीं ना कहीं इलेक्शन का स्टैंड। नहीं नहीं नहीं, देखो इलेक्शन का ऐसा कोई स्टैंड नहीं है, इसके ऊपर बहुत दिनों से जद्दोजहद चल रही थी, रोड के लिए हम लोग बहुत डिमांड कर रहे थे, मई नहीं बहुत से लोग भी कर रहे थे और इलेक्शन का इससे कोई लेना देना नहीं। इलेक्शन हो सकता है, मे बी पोस्टपोन्ड हो, मे बी मार्च में हो, कुछ बोल नहीं सकते और इलेक्शन का स्टंट देके इसका कोई नहीं है हमारा। ये इसके पहले मैटर कोर्ट में भी था तो फिर हमारा आपस में समझौता हो गया, मान गए, अभी गुड्डू भाई भी हमारे मान गए रोड बना रहे, ऐसी कोई बात नहीं क्या इसमें कोई तुम बोल रहे। कितने टाइम में अभी रोड कम्प्लीशन होगा? अभी रोड देखो आज से हम काम शुरू किए, उसमें अभी गटर का भी हमारा डिमांड है इनके गुड्डू भाई की तरफ से कि इधर एक साइड से गटर भी लो, तो गटर करते ही मेरे ख्याल से महीने भर में ये रोड खत्म करेंगे। और ये भी हमको बोले मैं बनाने दूंगा, उन्होंने आगे के रोड का भी मना नहीं किया कि आप मत बनाओ, उनको आगे जो रोड पे गाले हैं उनको आप उनका मुबदला दे दो, उस पर स्टे, वो स्टे हट जाएगा तो उनका सबकी सहमति से काम करना चाहिए। हाँ सबकी सहमति से काम करना चाहते, उनका भी एक हक है, उनको मिल जाए और काम हो जाए इंशाल्लाह। ठीक है, ये रोड जो है इतने दिनों से रुका पड़ा था, बहुत सारे इसमें मसले थे, तो आज मसला हल हो गया और इसका काम शुरू होने जा रहा है। आधा रोड बनाएंगे, आधा रोड की पेंशन अभी तक नहीं आई है, लेकिन आधा रोड बना के 32 मीटर का जो एरिया है वो गुड्डू खान से बात करके फिर बनाना पड़ेगा, वो गुड्डू खान के हाथ से है, बाकी ज़मीन उसके हाथ में, बाकी रास्ता स्कूल के आखिर तक बन जाएगा, फिर वहाँ से थोड़ी सी दूरी पे मेन रोड शुरू होता है, वहाँ तक फिर गुड्डू खान के हिसाब से करेंगे। इस गली में इस रोड पे हॉकर्स का बहुत प्रॉब्लम होता है, तो उनको हटाने का क्या मसला है? हॉकर्स हटा देंगे सर। अभी ये रोड बनने में इतना टाइम लग गया, अब आगे का रोड बनने में और कितना टाइम?
ये आपने कभी पूछा नहीं कि सब मुमरा के रोड कितने टाइम में बने और कैसे बने? इसीलिए पूछ रहे हैं, अभी एक विवाद क्लियर किया है, आगे का कितने टाइम लगे? पूरे मुमरा के 200 रोड बनाए तब कभी पूछने आए क्या कैसे बनाए? सर हमने लगातार एक रास्ता जो उसके हाथ में गुड्डू के हाथ में है वो मैं उसकी जमीन जोर जबरदस्ती को नहीं ले सकता। उसकी गालियां सुन के भी वहाँ बैठ के हम उसको मना रहे थे, तो हम जनता के लिए काम कर रहे हैं। सर रोड वाइंडिंग का काम कब पूरा हो, कब तक पूरा हो जाएगा सर? किधर चालू रोड में रोड पे रोड वाइंडिंग के लिए जो प्रस्ताव जो शुरू हुआ था अभी तक कंप्लीशन हुआ नहीं सर? चालू है ना कोविड के बाद, अभी तो सब खुला है। कॉन्ट्रेक्टरों को पेमेंट नहीं दिया गया था, कोविड में कोई पैसा नहीं आया है। जरा म्यूनसिपालिटी में जाके प्रॉपर्टी टैक्स कितना जमा हुआ है जरा देखिए। सैलरी के लिए लोग हड़ताल कर रहे हैं, लोगों के लिए लोगों को 5-5% भी पेमेंट नहीं हुआ है, काम हजारों करोड़ रुपए का करके, उनकी भी तकलीफ है। नहीं यानी आपका कहना है कि कॉन्ट्रैक्टर्स का पेमेंट अभी तक पूरा नहीं? महापालिका ने कॉन्ट्रैक्टर्स का पेमेंट ही रुकवा दिया। और महापालिका के पास भी पैसा नहीं है। आप लोग जो जोर जबरदस्ती फैलाते हो कि काम नहीं हो रहा है, 2 साल में तुम घर में बैठे थे, तुम्हारा काम था निकलते थे घर से बाहर? निकलते थे ना, पत्रकार निकलते थे। अच्छा, हम वीवर ऑन रोड्स, पूरे पेपर। आई वाज द ओनली मीडिया पर्सन हु गॉट फर्स्ट अफेक्टेड इन कोविड। तो वही ना, यानी कोविड के कारण 2 साल लोग घर में बैठे थे, अभी काम शुरू हुआ है, 6-8 महीने में उड़ जाएगा पूरा काम। बात बताता हूँ, कल मुमरा का एक लड़का अरेस्ट हुआ है कुरला में, अपने आप को वो पत्रकार समझता था, बताता था, झूठ मूठ की बातें मुमरा में भी फैलाता था। ऐसे एक गरीब लड़की के बारे में एक अफवाह उठाई उसने कुरला में, और कुरला पुलिस उसको अरेस्ट करके ले गई। मेरी ये विनती है आपसे कि कानून बहुत सख्त है, विदाउट प्रूफ विदाउट एविडेंस आप मेरे ऊपर भी बात करोगे तो आपको अरेस्ट करने का अधिकार पुलिस को है। ये तो मैं यानी जिसकी जितनी औकात है उतनी बात करता है, इसलिए मैं कभी लिखता भी नहीं है। लेकिन ये मत समझो कि कानून के दायरे के बाहर हुआ। वो अफजल को यही लगता था कि मैं कानून के दायरे के बाहर हूँ, बैठा है जेल में। किसी लड़की के इसी बदनामी करने का अधिकार तुमको नहीं है? विदाउट एविडेंस विदाउट प्रूफ तुम कुछ भी चीज बता नहीं सकते। और यहाँ तो आदत लग गई है, 500 करोड़, 1000 करोड़, 800 करोड़, नई बाल भारती, वाह, हाथ में एक कागज है कि एक कागज, कम से कम इतना तो दिमाग लगाओ कि मैं पत्रकार हूँ, पत्रकार होने के नाते मुझे कोई एविडेंस देना चाहिए। एविडेंस बात करके आप कुछ भी। सर हमारे हिंदुस्तानी रिपोर्टर ने कभी भी जिम्मेदारी से काम किया है और हर चीज एविडेंस के साथ रखते थे। मैं किसी के बारे में बोलता नहीं, जो मैंने देखा था उसके बारे में मैंने कभी ध्यान भी नहीं दिया। कोई कोट पहनने से राजदीप सरदेसाई नहीं बन जाता सर। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए सुरक्षित रहे, सतर्क रहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। और कमेंट जरूर करें और शेयर करना ना भूले और हमसे जुड़े।